आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और मेरे YouTube चैनल का भी यही नाम है। राजनीति के खेल बड़े निराले होते हैं। गाना था कि किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, मगर राजनीति के खेल भी बड़े निराले होते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो खेल देखने को मिला वो भी बहुत निराला था। रायबरेली उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गर्मी के तौर पर आज महत्वपूर्ण जिला रहा। दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रायबरेली में देखने को मिले। पहला, अमित शाह की वहां पर एक रैली थी जिसमें समाजवादी पार्टी विधायक दल के सचेतक रहे मनोज पांडे, जो कि ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को मंच पर ज्वाइन किया। अमित शाह की मौजूदगी में अमित शाह ने उनको पटका पहनाया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अब से करीब दो महीने पहले राज्यसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी से विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य के लिए मतदान किया था। उसके बाद से ही लगातार वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बातें कर रहे थे। और हाल ही में अमित शाह एक अन्य कार्यक्रम में जब रायबरेली पहुंचे थे तो उन्होंने मनोज पांडे के आवास पर चाय भी पी थी। अब मनोज पांडे को उन्होंने पटका पहना दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिससे कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट पर जो ब्राह्मण मतदाता है वह प्रसन्न होगा। और वहां पर जो क्षत्रिय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा मनोज पांडे, वहां पर उनके लिए वोट जुटा सकेंगे। और यह सम्मान ब्राह्मण नेता को अमित शाह ने दिया, ऐसा एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। यह तो हुआ एक घटनाक्रम। दूसरा, इससे बड़ा घटनाक्रम हुआ जहां इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक राहुल गांधी ने वहां पर उम्मीदवारी का पर्चा तो भर ही दिया और उनका प्रचार अभियान तेजी से चल रहा। आज उनकी मां सोनिया गांधी, जो कि इस सीट को छोड़ चुकी हैं, राज्यसभा जा चुकी हैं और पिछली कई बार से वे यहां से सांसद थी, इस बार उन्होंने सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और एक रैली में जिसमें प्रियंका गांधी भी थी और सोनिया गांधी भी थी, अखिलेश यादव भी थे, और उन्होंने कहा कि मैं अपना बच्चा रायबरेली के हवाले कर रहा हूं, अपने इस बेटे को रायबरेली की जनता के हवाले कर रही हूं, आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। रायबरेली सीट जहां गांधी परिवार के सदस्य नामांकन करके चले जाते थे और उनकी जीत हो जाया करती थी बहुत लंबे अंतर से, कोई उनके खिलाफ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता था। आज स्थिति यह है कि एक इमोशनल अपील करनी पड़ रही है सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी पिछले चुनावों में चिट्ठियां जारी करके, नामांकन के बाद चिट्ठियां जारी करके इलेक्शन जीत लिया करती थी और राहुल गांधी के लिए उनको इतनी इमोशनल अपील जारी करनी पड़ी जनता के बीच में इस प्रचंड गर्मी में। अपनी बीमारी के बावजूद रायबरेली में रैली करने सोनिया गांधी आई, अपने खुद के चुनाव में वे रैलियां नहीं करा करती थी, रैली करने आई और उस रैली में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मेरे बेटे के लिए वोट करें, मैंने अपना बेटा रायबरेली के हवाले कर दिया है। अब इस इमोशनल अपील के पीछे कहीं ना कहीं वह संघर्ष जुड़ा हुआ है जो रायबरेली सीट पर हो रहा है, जो हमको नजर नहीं आ रहा है लखनऊ और दिल्ली में बैठकर। स्थानीय स्तर पर कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लाभार्थी वर्ग जो है वो भाजपा से प्रभावित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत है। रायबरेली के शहरी क्षेत्र कस्बाई क्षेत्र में राहुल गांधी का प्रभाव है, तो ये टक्कर इतनी कमजोर नहीं है दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच में जितनी अब तक समझी जा रही थी। पिछली बार सोनिया गांधी लगभग 1,67,000 वोटों से जीती थी, जो उनकी सबसे कम अंतर की जीत थी।
यही दिनेश प्रताप सिंह थे जिनसे सोनिया गांधी ने विजय हासिल की थी, मगर अंतर सबसे कम था। इस बार सोनिया गांधी नहीं है, राहुल गांधी हैं, और किसी तरह का रिस्क कांग्रेस लेने को तैयार नहीं है। ये इमोशनल अपील जब हम देखते हैं तो हमको याद साल 2019 की आती है, जब सपा और बसपा के बीच गठबंधन था। कन्नौज में एक दोनों पार्टियों की संयुक्त जनसभा थी, मायावती मंच पर थी, अखिलेश यादव मंच पर थे, और कन्नौज से तत्कालीन उम्मीदवार डिंपल यादव भी मंच पर थी। डिंपल यादव ने मायावती के चरण स्पर्श हजारों की जनमानस के सामने किया था, इस उम्मीद में कि दलित वोट पूरी तरह से उनकी ओर ट्रांसफर होगा और इस मायावती का जो इमोशनल कार्ड है वो कन्नौज में उनके काम आएगा। मगर जब नतीजा आया तो डिंपल यादव को एक रोचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, वह इमोशनल अपील काम नहीं आई। तो इस तरह की इमोशनल अपीलें राजनीति में आमतौर से तभी की जाती हैं जब सीट बुरी तरह से फंसती हुई नजर आती है, तब अंतिम पत्ते खेले जाते हैं, ब्रह्मास्त्र चले जाते हैं, और ये भावनात्मक जो आग्रह है जनता से माफ कीजिएगा, जनता से जो ये भावनात्मक आग्रह है, ये आग्रह उसी वक्त किया जाता है जब लगता है कि सीट में कुछ ऐसा करने की जरूरत है, कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है जिसके जरिए जीत हासिल की जा सके और जनता को अपने से जोड़ा जा सके। तो इस तरह के इमोशनल कार्ड ना केवल कांग्रेस चलती है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इमोशनल कार्ड खेलती जा रही है। जैसे किसी प्रत्याशी के लिए यह कह देना कि आप इनको वोट दीजिए, इस तरह की इमोशनल अपील तभी की जाती है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई उम्मीदवारों के लिए कह चुके हैं कि आप जब उनको वोट देंगे तो वो मेरे लिए होगा, वो वोट पीओके के लिए होगा, वो देश में खुशहाली लाने के लिए होगा। तो इस तरह से प्रत्याशी की जो खामियां हैं, प्रत्याशी की जो कमियां जनता महसूस कर रही है, उनको छिपाने के लिए उससे बड़ा इमोशनल कार्ड चला जाता है ताकि लोगों के मन में ये भाव आए कि कोई बात नहीं, प्रत्याशी हमारा कैसा भी है लेकिन उससे बड़ी जरूरत उसकी जीत की इसलिए है कि बात यहाँ देश की है, बात यहाँ इमोशंस की है, बात यहाँ बड़ी एक बड़ी पिक्चर को क्लियर किया जाता है। जैसे कि रायबरेली में गांधी परिवार की जो डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी को लेकर लोग बहुत इमोशनल हैं, कई मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग इमोशनल हैं। और सोनिया गांधी का ये कह देना कि अपना बेटा मैं आपके हवाले कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं लोगों को टच करता है। और लेकिन मायावती का पैर छूना डिंपल यादव का लोगों को टच नहीं किया था, परिणाम यह हुआ था कि उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रायबरेली की सीट में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसको लेकर के कांग्रेस परेशान है। और जिस तरह से मनोज पांडे को आज भाजपा में शामिल किया गया, ठीक मतदान से अभी दो दिन का समय बचा हुआ है, कल शाम को 5 बजे के बाद पांचवें चरण का मतदान समाप्त मत कीजिएगा प्रचार समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस पांचवें चरण की सीटों पर आमने सामने होंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। तो उससे पहले ब्राह्मण ठाकुर कॉम्बिनेशन बना करके और दलितों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अमेठी रायबरेली में फंसाने का प्रयास कर रही है। और जिस ये खबर कांग्रेस तक है इसलिए सोनिया गांधी ने आज एक बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड रायबरेली में खेला है। ये कितना कामयाब होगा ये हमको 20 की मतदान के बाद 4 जून को होने वाली मतगणना के साथ ही ये समझ में आएगा कि ये कितना कामयाब रहा। लेकिन अभी जो रायबरेली से सूचना है कि आगे अपर हैंड जो है वो राहुल गांधी का ही है। दिनेश प्रताप सिंह अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन ये कहा जाए कि वो जीतने जा रहे हैं तो ऐसा अभी नहीं लग रहा। हाँ, कांग्रेस का प्रयास इसको लेकर भी हो सकता है कि कहीं बहुत नजदीकी जीत राहुल गांधी के ना हो, राहुल गांधी की जीत ऐसी हो जो कि सम्मानजनक हो ताकि कांग्रेस ये कह सके कि हमने एक तरफा हराया और हमने मजबूती से रायबरेली की जो अपनी डायनेस्टी है, अपनी जो परंपरा है, उसको बचा के रखा। और इसीलिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी लगातार डेरा डाले हुए हैं, राहुल गांधी भी प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के तेलंगाना और कर्नाटक के अनेक विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, वो सभाएं कर रहे हैं, ट्रांसलेटर लगाए गए हैं उनकी सभाओं को लेकर के ताकि वे अपनी बात
जनता तक बता सके और अपनी सरकारों की उपलब्धियां गिना सके और बता सके कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किस तरह से राहुल गांधी उनके जीवन में बदलाव लाएंगे। ये बदलाव राहुल गांधी जीवन में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे 4 जून को ही पता चलेगा। उससे पहले उनकी सबसे बड़ा संघर्ष रायबरेली सीट पर है, जो वायनाड से भी बड़ा है। अमेठी से वे पिछली बार चुनाव हार चुके हैं और इस बार रायबरेली में वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। परिवार झोंक दिया गया है और मां ने एक भावनात्मक अपील भी कर दी है। इस अपील का परिणाम बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जनता के बीच जाने का यह अद्भुत प्रयास है सोनिया गांधी का। तो इस तरह से आपने आज का मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।